तो आज पूरा दिन बनारस में बिताने के बाद शाम के समय हम सब ने सोचा अपने कपड़े बदलकर गंगा आरती देखी जाए। अब लेकिन मेरी बैठी हुई आवाज़ सुनकर आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं जब वाराणसी गई तो वहाँ की फेमस लस्सी और पान कैसे ना खाती। अब जो लस्सी पी तो गला बैठ गया, और गला बैठ गया तो क्या हुआ, व्लॉगिंग करना थोड़ी छोड़ सकते हैं। अब हम सब तैयार होकर गंगा घाट पे पहुंच गए। अब गंगा किनारे की सुंदरता देखने के लिए रात के दृश्य से बढ़िया और क्या समय हो सकता था। तो हम सब ने इंतज़ार किया रात होने का। तब तक नाव वाले भैया से थोड़ा हिसाब किताब लगाया, इतने सारे लोग थे, और जैसे ही हिसाब पक्का हुआ हम सब लद लिए उनकी नाव में गंगा आरती देखने के लिए। अब यहाँ पर हम सब मौसम का और आसपास के दृश्यों का आनंद ले रहे थे। उस समय शिव आराम से निद्रा ले रहे थे क्योंकि रात में उन्हें हमें जगाना जो था। अब आप देख ही सकते हो, मैं वहाँ गई थी लेकिन आप घर पे बैठे बैठे ये दृश्य देख सकते हो। इतनी सुंदरता गंगा जी के किनारे, बहुत ही जो जगमग रोशनी थी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। यहाँ पर हम सब ने बहुत मज़े किए, गाते बजाते मस्ती करते। हम कब किनारे की तरफ पहुंचने लगे हमें पता ही नहीं चला, और हम सब में तो जैसे होड़ हो गई थी कि हम ज़्यादा अच्छे खींचेंगे। अब आप देख सकते हो ये जो दूर से नज़ारे दिख रहे हैं, अब मैं तो बिल्कुल असमर्थ थी इसे अपने कैमरे में पूरी तरीके से कैप्चर करने के लिए, क्योंकि ये जो नेचुरल ब्यूटी है ना, ये कभी कैमरे में पूरी तरह उतर ही नहीं सकती। इन्हें तो आप सामने से जिस हिसाब से देख सकते हो वो बात कभी हो ही नहीं सकती कैमरे की। अगर आप नहीं गए हो तो एक बार बनारस ज़रूर जाना। और गंगा आरती के समय जो भीड़ थी, उफ़, हम तो देखकर ही हैरान रह गए। लेकिन हमने तो ठान लिया था कि केवल नाव से देखकर आरती हम अपना मन नहीं भरेंगे, हम वहाँ पर पास जाकर भी गंगा आरती देखेंगे। वैसे तो नाव वाले भैया ने पूरा कन्विंस करने की कोशिश की कि हम उनके साथ वापस चलें और वो हमें दो घाट की आरती दिखाएंगे, बट दोनों ही घाटों पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी और हम बिल्कुल भी देख ही नहीं पा रहे थे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। और हाँ, आप ये जो घाट देख रहे हैं ये मणिकर्णिका घाट है। यहाँ पर हर समय चिताएं जलती रहती हैं, ऐसी मान्यता है कि शिव जी यहाँ पर आते हैं, और ये बहुत पवित्र जगह है। वैसे तो गंगा घाट है तो सभी पवित्र हैं, बट कहा जाता है काशी शिव की नगरी है। तो बस यही है कि जो फीलिंग थी ना वहाँ पे, बहुत स्पिरिचुअल फीलिंग होती है। वैसे भी मैं थोड़ी धार्मिक हूँ, पर ऐसी जगह पर जाकर ऐसा लगता है कि बस यहीं रह जाएं। और ये काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, बहुत फेमस है, और हमने तो इनके दर्शन भी किए, बट कैमरा अलाउड नहीं होता ऐसी जगह पर, और बहुत सिक्योरिटी भी रहती है। अब आप देख सकते हो मेरे जैसे इतने सारे स्पिरिचुअल लोग अपना काम धाम छोड़ कर यहाँ पर गंगा आरती देखने के लिए आ गए थे। वैसे तो वो बनारस ही घूमने आए थे, बट जब बनारस आए हैं और गंगा आरती ना देखे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और आप देख सकते हो पूरी नाव भरी हुई है, हमारी सिर्फ फैमिली थी पूरी नाव पे, बाकी नाव पता नहीं कैसे इतनी भरी हुई थी। क्या इतने सारे लोग आते हैं एक साथ, या फिर अलग अलग लोग भी एक नाव में सवार होते हैं? क्योंकि मैंने वहाँ पर ऐसा नहीं देखा कि टैक्सी की तरह अलग अलग लोग भी बैठ रहे हों, तो आई एम नॉट श्योर। अगर आप लोग जानते हो तो मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, ये आप भीड़ देख रहे हो ना, ये सारी घाट के किनारे की है। यहाँ पर लोग खड़े होकर आरती देख रहे थे। आरती देख लीजिए आप, यहाँ पर दिख रही है ना, स्टार्टिंग हो चुकी थी। अब मुझे इतनी दूर से आरती नहीं देखनी थी, वो भी बनारस पहुँच के, तो फिर क्या था, हम अपने परिवार के साथ भागते हुए आए और उनकी मेन आरती शुरू हो उससे पहले ही यहाँ पर आकर बैठ गए, और आगे बैठकर पूरी आरती के मज़े लिए। और ये चीज़ आपको बताना चाहूँगी, ये जो आरती होती है ना, कहीं भी अगर आपने गंगा आरती देखी हो तो आनंद से भर देती है ये मन को। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।